जांच कराने तक के पैसे ना होने के कारण रिक्शा चालक की बेटी इलाज से वंचित। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजापुर में एक गरीब परिवार की बेटी का बीते दिनों बंथरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। इलाज सफल न होने के कारण वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। लखनऊ जाने के लिए पैसे नहीं बना पाए तो घर पर ही बेटी को रहना पड़ा। फिर कुछ समाज सेवियों ने बेटी के इलाज के लिए आगे आकर सहयोग किया, जैसे महावीर सेना एवं दुर्गा सेना के जिला अध्यक्ष ने गरीब परिवार के घर पहुंचकर 5,000 रुपए का सहयोग राशि देकर लड़की की जान बचाने की कामना की। फिर शाहजापुर उद्योग व्यापार मंडल एक जाने माने सेठ टीवी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के मालिक विकास गुप्ता को पता लगा तो उन्होंने 10,000 रुपए देकर गरीब परिवार के लड़के का इलाज कराने के लिए सहयोग राशि प्रदान की। उधर महावीर सेना के जिला अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने पीछे भी सहयोग राशि देने का काम किया था और यह भी कहा था जिन डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई है, गरीब परिवार का उत्पीड़न किया गया है और डॉक्टरों के ऊपर हर हाल में अपने संगठन के माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे और गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। उधर ओबीसी मोर्चा के विपिन कुमार सक्सेना ने लड़की को सहयोग करने का काम किया और समाज सेवियों को गरीब परिवार की लड़की की जान बचाने के लिए अपने लेटर के माध्यम से ऐसे समाज सेवियों को बहुत बहुत आभार किया। कहा आप लोगों के दया दृष्टि से इस बच्चे की जान बचाने के लिए इस परिवार से मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं उद्योग व्यापार मंडल समाज सेवी सेठ विकास गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष महावीर सेना कौशल मिश्रा जी के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। हम देखेंगे, अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे आएंगे और हमारा जो राशि सहयोग है वो भी मैं हर तरीके से करने को तैयार हूँ, संगठन के माध्यम से हमारे इस परिवार को मदद मिल सके और दोषी लोगों पे कड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए इनका सहयोग कर दे रहे हैं ताकि जांच वगैरह करा ले जाके बाकी जो बन सकता बाकी उसके बाद जो प्रशासन के स्तर पे होगी वो इनकी अलग से मदद कराई जाएगी। इन्होंने प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आप अपने इलाज का एस्टिमेट बना लाइए, हम उसके बाद करें। इनके पास एस्टिमेट के वो बनवाने के भी पैसे नहीं है, जो एस्टिमेट तभी हो पाएगा जब इनकी जाँचें होंगी, तो ये बेचारे कहाँ से लेके आएंगे। 10,000 रुपए की हम मदद कर रहे हैं, बाकी जो होगा और लोग भी। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए शाहजापुर से मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की रिपोर्ट।